थैंक्स ब्रो. किस बात के लिए ब्रो? अरे कल तूने मुझे वो दर्शन के नी आईडीवे का वीडियो दिखाया ना. हाँ उस वो मैंने देखा पूरा. तेरा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कैसे गई? एकदम इजी गई. इजी गई? हाँ. तो चल मेरे को भी अभी जाने का है दर्शन सर का ना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए. चलिए चलता हूँ. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन गिरी, दिस इज माय यूट्यूब चैनल. बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था प्रैक्टिस सेट 7.1. ओके, अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही होगी. ओके, और अगर आपने जो बचे हुए वीडियोज है वो भी अगर नहीं देखे हो तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, वहां पे भी आपको बचे हुए वीडियोज मिलेंगे. या मेरा वीडियो जब खत्म होता है तब एंड स्क्रीन पे भी आप मेरे दो वीडियोस पिछले देख सकते हैं. ओके, तो आज जो टॉपिक मैं सिखाने वाला हूँ वो रहेगा प्रैक्टिस सेट 7.2. ओके, तो चलो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो प्रैक्टिस सेट 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो डायग्राम रेफर कर लेते. तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम निकाला हुआ है, जैसे कि ये है कोन और ये है फ्रस्टम ऑफ अ कोन. ओके, तो ये जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है वो हमें मिलने वाला है इस कोन को इस तरह से काटने से. इस तरह से काटने से हमें कोन को इस तरह से काटने से हमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन मिलने वाला है. ओके, तो जब हम लोग कोन को इस तरह काटते हैं तब हमें ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन मिलने वाला है. तो यहाँ पे खाली ये दोनों डायग्राम में सिमिलरिटी जो रहने वाली है वो रहने वाली है परपेंडिकुलर राइट और स्लैंट राइट में. यहाँ पे जैसे कि मैंने अब यहाँ पे शो किया है कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन में भी परपेंडिकुलर राइट और स्लैंट राइट मेंशन है, कोन में भी परपेंडिकुलर राइट और स्लैंट राइट मेंशन. तो यहाँ पे ये जो है वो सिमिलरिटी है कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है. ओके, खाली यहाँ पे जो डिफरेंस रहने वाला है वो रहने वाला है सर्कल्स में. यहाँ पे खाली कोन में एक ही सर्कल है जिसका रेडियस है आर, और यहाँ पे फ्रस्टम ऑफ अ कोन में यहाँ पे दो सर्कल्स रहने वाले जो कि एक बॉटम में रहने वाला है और एक टॉप में रहने वाला है. तो यहाँ पे जो बॉटम में जो सर्कल है उसका रेडियस है आर वन, और ये जो टॉप का सर्कल है उसका रेडियस है आर टू. और एक बात यही खाली इन दोनों में डिफरेंस है. ओके, और एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि यहाँ पे जो बिगर सर्कल का जो रेडियस है आर वन वो स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है आर टू उससे ग्रेटर रहने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बिगर सर्कल है और ये अगर स्मॉलर सर्कल है तो बिगर सर्कल का रेडियस ऑफ कोर्स बिगर रहने वाला है देन द स्मॉलर सर्कल का रेडियस. ओके, तो ऐसे करके हमें शेप तो समझ में आ गए. अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की फॉर्मूलेस को कंपेयर करके देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे स्लैंट राइट ऑफ अ कोन जो कि है एल, उसका जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो अगर हम लोग उसे स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन से कंपेयर करते जो कि है एल, वो है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एच स्क्वायर है और यहाँ पे भी एच स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस रहने वाला है वो है आर स्क्वायर में. यहाँ पे स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन में जो रेडियस है वो है आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक ही बेस है जो कि सर्कल है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रस्टम है उसमें आपको दो सर्कल मिलने वाले, एक टॉप में और एक बॉटम में. इसीलिए आप जब आर स्क्वायर की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिखने वाले, आर वन माइनस आर टू द होल स्क्वायर, बिगर सर्कल रेडियस माइनस स्मॉलर सर्कल रेडियस द होल स्क्वायर, बिगर सर्कल रेडियस माइनस स्मॉलर सर्कल रेडियस द होल स्क्वायर. ओके, फिर बाद में आप देख पा रहे होंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल. तो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का अगर फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग यहाँ पे ये जो पाए और एल है उसको वैसे के वैसे लिखेंगे. हम लोग खाली क्या करने वाले हैं, ये जो आ रहे हैं उसमें चेंज करने वाले हैं. तो यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, ये जो आ रहे हैं उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे आर वन प्लस आर टू लिखने वाले हैं, और ऐसे करके हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला मिलने वाला है. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है पाए आर एल, वो है पाए आर एल जो कि कर्व सरफेस एरिया, और उसमें हम लोग एड करते हैं बेस के एरिया को जो कि सर्कल है. ओके, पाई आर स्क्वायर. तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला लिखना है तो हमें यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन है वो लिखना पड़ेगा, और उसमें आपको जो ऐड करना है वो है इस सर्कल जो कि टॉप का सर्कल है और ये सर्कल जो कि बेस का सर्कल है उनके एरियाज को. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई आर वन स्क्वायर जो कि है
बिगर सर्कल के एरिया, बिगर सर्कल का एरिया, और पाई आर टू स्क्वायर जो कि है स्मॉलर सर्कल का एरिया। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आर स्क्वायर है उसको खाली रिप्लेस करना है, बाकी के सभी क्वांटिटीज को वैसे के वैसे रखना है। तो यहाँ पे मैं 1/3 पाई और एच इनको वैसे के वैसे रखता हूं, खाली आर स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू से। ओके, तो ऐसे करके हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन भी मिल जाता है। तो ऐसे करके हम लोग कोन का रेफरेंस लेके फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 7.2 की तरफ बढ़ते। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 7.2 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ओके, और आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मतलब 1000 cc। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ओके, रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें आपको ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें ये जो रेडियस दिया है वो है 14 सेंटीमीटर बिगर सर्कल का, और स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो है परपेंडिकुलर हाइट वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ गिवन, तो यहाँ पे पहले हमें जो दिया हुआ है वो है रेडियस आर वन जो कि बिगर सर्कल का है। ओके, फिर बाद में दिया है रेडियस आर टू जो कि स्मॉलर सर्कल का है। ओके, और जो परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, परपेंडिकुलर हाइट जो कि है एच, वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है अभी। ओके, यहाँ पे ये जो आर वन है बिगर सर्कल का रेडियस वो आर टू से बिगर रहने वाला है क्योंकि आर टू स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। ओके, सो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट। ओके, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन पूछा है आपको वो है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बकेट की जो रहेगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रस्टम शेप बकेट का जो स्पेस है वो कितना वाटर रहने वाला है उस बकेट में, ये रिप्रेजेंट करने वाला है। इसका मतलब ये जो स्पेस रहेगा वही हम लोग का वॉल्यूम रहने वाला है। ओके, तो हमें फाइंड एक्चुअली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/3 वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट, फ्रस्टम शेप बकेट वो है 1/3 पाई इंटू एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा पाई का जो वैल्यू लेना है आपको 22/7 लेना है, हाइट परपेंडिकुलर हाइट है 30 सेंटीमीटर, और ये जो आर वन है R1 वो है 14 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखता हूँ 14 स्क्वायर, R2 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 दैट इज 14 × 7 ब्रैकेट क्लोज। ओके, फिर यहाँ पे मैं 3 को और 30 को डिवाइड करता हूँ तो 3 1 3 3 10 30 हो जाएगा,
फिर बाद में यहाँ पे बचेगा 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 14 स्क्वायर इज 196 प्लस 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 14 7 जा होता है 98 ओके फिर बाद में 22 इंटू 10 होता है 220 डिवाइडेड बाई 7 इंटू अगर हम लोग इन तीनों को ऐड करते हैं 196 प्लस 49 प्लस 98 6 प्लस 9 15 15 प्लस 8 23 कैरी 2 2 प्लस 9 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 9 24 कैरी 2 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 तो यहाँ पे हमें मिलेगा 343 ओके फिर बाद में हम लोग 7 और 343 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 49 आप डिवाइड करके देख लो ओके तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको करना है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ जीरो को मैं नहीं लूंगा वो बाद में ऐड करूंगा हम लोग 22 इंटू 49 करेंगे सो 9 टू जो 18 होता है कैरी 1 9 टू जो 18 प्लस 1 19 0 4 टू जो 8 4 टू जो 8 तो 9 प्लस 8 हो जाएगा 17 कैरी 1 सो 1 प्लस 8 प्लस 1 हो जाएगा 10 तो हमें ये मिलने वाला है 1078 लेकिन यहाँ पे हम लोग ने 0 नहीं लिया था सो ये ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब लेकिन आपको यहाँ पे और एक चीज दी हुई है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब ओके तो अगर आपको अगर सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो ये जो 10780 है उसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ओके सो आई एम डिवाइडिंग 10708 by 1000 so that centimeter cube will be converted into liters okay so hamara jo abhi answer milne wala hai wo liters mein milega 00 ko cut kijiye okay so 1078 divided by jab aap 100 karenge to aapko milne wala hai 10.78 liters okay so that is the water holding capacity of this frustum shaped bucket okay to aise karke hamara jo ye first problem hai wo abhi complete hota hai so please take a screenshot okay तो बच्चों हमारा जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ओके तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है ओके तो यहाँ पे ये जो बिगर सर्कल का रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर स्मॉलर सर्कल का रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर ओके तो हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया फिर बाद में टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ओके तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेडियस आर वन आर टू और परपेंडिकुलर हाइट एच लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं पहले पुट करूंगा जो रेडियस आर वन दिया है जो बिगर सर्कल का रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर रेडियस आर टू है वो है 6 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर ओके 14 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ओके फिर बाद में हमें जो फाइंड करना है वो है मैं लिखता हूं पहले टू फाइंड हमें जो फाइंड करना है वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन फिर बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ओके ओके फिर बाद में हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं अभी सॉल्यूशन लेकिन बच्चों यहां पे ये जो कर्व सरफेस एरिया है अगर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला मालूम है पाई इंटू एल इंटू आर वन प्लस आर टू लेकिन उस फॉर्मूला में जो एल है स्लैंट हाइट है वो हमें मालूम नहीं है ओके और यहां पर वो हाइट दी भी नहीं है ओके तो यहाँ पे हमें पहले स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन फाइंड करनी पड़ेगी ओके तो मैं पहले लिखता हूं यहाँ पे स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस
आर टू माइनस सॉरी आर वन माइनस आर टू द होल स्क्वायर, बिकॉज आर वन इज द बिगर रेडियस एंड आर टू इज द स्मॉलर रेडियस. ओके, फिर बाद में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. देयर फोर एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच इज सिक्स दैट इज सिक्स स्क्वायर प्लस आर वन दैट इज फोर्टीन स्क्वायर, फोर्टीन माइनस आर टू दैट इज सिक्स द होल स्क्वायर. ओके, तो ये हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर सिक्स स्क्वायर इज थर्टी सिक्स प्लस फोर्टीन माइनस सिक्स इज एट सो इट इज एट स्क्वायर. ओके, सो एल हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड दैट इज टेन सेंटीमीटर. तो ऐसे करके हमें क्या मिला, स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन मिला दैट इज एल. तो हमें स्लैंट हाइट मिला अभी टेन सेंटीमीटर. ओके, स्लैंट हाइट मिला टेन सेंटीमीटर. तो अभी हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन फाइंड करेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है पाई इंटू एल इंटू आर वन प्लस आर टू. सो पाई का वैल्यू लेंगे हम लोग 3.14, लेंथ स्लैंट हाइट है एल 10 और ये जो है आर वन वो है 14 प्लस आर टू है 6. सो 3.14 इंटू 10 इंटू 14 प्लस 6 हो जाएगा 20. तो 3.14 इंटू 10 इंटू 20 हो जाएगा 200. सो हम लोग 3.14 इंटू 2 करते हैं, दो जीरोस को बाद में कंसीडर करते हैं. ओके, 4 टू जा 8, 2 वन जा 2, 6 टू जा 3, 2 जा 6. तो डेसिमल के बाद दो नंबर है तो यहाँ पे राइट से हम लोग दो नंबर के पहले डेसिमल देंगे. तो ये हो जाएगा 6.28. लेकिन ये दो जीरो ऐड नहीं किए, तो ये दो जीरो अगर ऐड करने हैं मतलब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, तो ये अगर डेसिमल 6 के बाद है वो डेसिमल यहाँ पे दो प्लेस से राइट में शिफ्ट होने वाला है जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये होने वाला है 628.0. तो पॉइंट के बाद अगर जीरोज है तो हम लोग लिखते नहीं, तो ये आंसर आने वाला है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. ओके, फिर बाद में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, तो टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन जब हम लोग फाइंड करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन है उसमें हम लोग ये जो टॉप का सर्कल और ये जो बॉटम का सर्कल है उनके एरियाज को ऐड करेंगे. तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग वापिस लिखते हैं पाई इंटू एल इंटू आर वन प्लस आर टू और उसमें जो बिगर सर्कल का रेडियस है वो और जो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, जो बिगर सर्कल का एरिया है वो और स्मॉलर सर्कल का एरिया है उसे हम लोग ऐड करेंगे. तो ये पाई इंटू एल इंटू आर वन प्लस आर टू हम लोग ने पहले ही वैल्यू निकाला है 628, वो हम लोग वापिस लिखेंगे प्लस पाई इंटू आर वन स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर टू स्क्वायर. अगर हम लोग इन दोनों में से अगर कॉमन निकालते तो पाई बाहर आने वाला है, तो ये ब्रैकेट में बचने वाला है आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर. 628 को वैसे के वैसे लिखो प्लस पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर वन स्क्वायर, आर वन इज 14 तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस आर टू इज 6 तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर. ओके, तो ये 628 प्लस 3.14 इंटू 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर होने वाला है 196 प्लस 6 स्क्वायर इज 36. ओके, तो यहाँ पे 628 प्लस वापिस लिखो 3.14 इंटू 196 प्लस 36 होने वाला है 232. ओके, तो यहाँ पे 628 वापस लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ 3.14 इंटू 232, 4 टू जा 8, 2 वन जा 2, 3 टू जा 6. ओके, फिर बाद में एक जीरो लिखो, फिर बाद में आएगा 3 फोर जा 12, कैरी 1, 3 वन जा 3 प्लस 1 4, 3 थ्री जा 9, दो जीरो लगाओ, 2 फोर जा 8, 2 वन जा 2, 2 थ्री जा 6. ओके, तो ये ऐड करो 4, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, कैरी 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, कैरी 1, 7 टू 8.48 ऐसे आंसर आएगा.
7 to 8.48. अभी इस इन दोनों का ऐड करो, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 7 to 8.48 प्लस 628, उसके आगे दो जीरोज लिखो डेसिमल देके और ऐड करो, ये हो जाएगा 8 4 + 0 4 8 + 8 16 कैरी 1 2 + 2 4 + 1 5 and 7 + 6 is 13. तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन है वो रहने वाला है 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन भी मिलता है। ओके, तो अभी हमारा बचा वॉल्यूम, तो अभी हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई इंटू एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। ओके, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 ही लो, एच एच जो है वो है हमारा 6। ओके, इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, आर वन स्क्वायर इज 14 स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6। ओके, तो ये कट हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, तो ये 3.14 इंटू 2 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलने वाला है 6.28 इंटू 14 स्क्वायर इज 196 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 14 6 जा 84। इन तीनों को ऐड करो, 196 प्लस 36 प्लस 84, 196 प्लस 36 प्लस 84, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16 कैरी 1, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 1 21 कैरी 2, तो ये आएगा 316। तो अगर 6.28 इंटू 316 अगर आप करते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ 6.28 इंटू 316, 8 6 48 कैरी 4, 6 2 12 प्लस 4 16 कैरी 1, 6 6 36 प्लस 1 37 एक जीरो ले लो, 8 1 8 2 1 2 6 1 6 दो जीरो ले लो, 3 8 24 कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 8 6 3 18, तो ये मिलने वाला है 8 + 6 14 कैरी 1, 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 7 14 कैरी 1, 8 + 1 9 9 + 6 15 15 + 3 18 कैरी 1, 8 + 1 9 1984.48। ओके, तो ये हमारा जो वॉल्यूम है वो रहने वाला है 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ऐसे करके आपका ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमें जो थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है वो है द सर्कमफरेंसेस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दो सर्कमफरेंसेस, दो सर्कुलर एंड के लिए दिए हुए हैं। ओके, तो पहला जो सर्कमफरेंस है उसे हम लोग C1 लिखते हैं। सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2πr। ओके, तो यहाँ पे 2πr1 आएगा। ओके, प्लस इज इक्वल टू दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, बड़ा वाला जो सर्कमफरेंस है वो है 132 सेंटीमीटर, और जो दूसरा सर्कमफरेंस दिया हुआ है वो रहने वाला है 2πr2, क्योंकि स्मॉलर सर्कल का रेडियस r2 है, तो वो जो सर्कमफरेंस दिया हुआ है वो है 88 सेंटीमीटर। ओके, वो है 88 सेंटीमीटर, और हमें और हाइट भी दी हुई है। ओके, यहाँ पे हाइट भी मेंशन की हुई है। ओके, यहाँ पे हाइट भी मेंशन की हुई है, परपेंडिकुलर हाइट वो है 24 सेंटीमीटर, और जो हमें फाइंड करना है वो है कर्व सरफेस एरिया। ओके, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अभी ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ना वो एक्टिविटी है। ओके, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन कर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, आप एक्टिविटी आप बाद में करो। ओके,
लेकिन मैं आपको ये प्रॉब्लम की तरह सिखाने वाला, ओके, कर्व सरफेस एरिया में प्रॉब्लम की तरह पूरा एक्सप्लेनेटरी सॉल्व करने वाला, ओके। तो यहाँ पे हमें जो सर्कमफेरेंस है वो है 2π r1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C1 इज इक्वल टू 2π r1 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ पे मैं पहले रेडियस फाइंड करने वाला हूँ r1, तो यहाँ पे अगर मैं इसे वापस लिखता हूँ 2π r1 इज इक्वल टू 132, तो r1 आने वाला है 132 डिवाइडेड बाय 2π, ओके, इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू वो लोग ने 22/7 लेने को बोला है, ओके। तो यहाँ पे मैं 22/7 लिखता हूँ। यहाँ पे ये जो 132 है वो इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये आएगा 132/7 डिवाइडेड बाय 2 × 22। तो ये 22 1s और 22 6s होने वाला है, यहाँ पे 2 1s और 2 3s होने वाला है, तो यहाँ पे ये आने वाला है 3 × 7 दैट इज 21, 3 7s 21। फिर बाद में आपको सेकेंड जो सर्कमफेरेंस दिया है छोटे सर्कल का वो है 2π r2 इज इक्वल टू 88। तो यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ 2π r2 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r2 जो आने वाला है वो रहेगा 88 डिवाइडेड बाय 2π, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू जो है वो है 22/7। तो 88 इंटू ये 7 ऊपर जाने वाला है, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, तो ये आने वाला है 22 1s 22, 22 4s 88। तो फिर बाद में 2 1s 2, 2 2s 4, तो 2 × 7 बच गया, तो ये आने वाला है 14 सेंटीमीटर, ओके। ये आएगा 21 सेंटीमीटर और ये आएगा 14 सेंटीमीटर, ओके। फिर बाद में हमें यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है उसमें स्लैंट हाइट रहेगा, तो पहले हम लोग स्लैंट हाइट निकाल के लेते हैं। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला है, पहले मैं लिखता हूँ स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर, क्योंकि r1 वाला जो है वो बिगर सर्कल है, r2 वाला है वो स्मॉलर सर्कल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h, दिया है हमें 24 स्क्वायर, 24, ओके। फिर बाद में r1 हमें मिला है 21, r2 है 14, ये एक्टिविटी में भी आपको दिया हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ पे निकाल, हम लोग ने भी यहाँ पे निकाला है, ओके। फिर बाद में ये आएगा 24 स्क्वायर आएगा 576 प्लस 21 − 14 हो जाएगा 7, तो 7 स्क्वायर इज 49, तो l हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, सो l आने वाला है 25 सेंटीमीटर, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया स्लैंट हाइट, ओके। फिर बाद में हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, उसका जो फॉर्मूला रहेगा, उसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा पाई इंटू एल इंटू r1 प्लस r2। तो पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7 इंटू एल जो हमें मिला है वो है 25 इंटू r1 जो हमारे पास है वो है 21 और r2 जो है वो है 14, तो ये आएगा 22/7 इंटू 25 इंटू 21 + 14 हो जाता है 35, तो 7 1s 7, 7 5s 35, सो ये आएगा 22 × 5 110 इंटू 25। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 25 × 0 0, 25 1s 25, सो कैरी 2, 21 5s 21 25 1s 25 + 2 27, तो ये आएगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन भी मिल जाता है, ओके। तो ऐसे करके हमारे जो 7.2 के जो प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस सेट 7.2 के जो प्रॉब्लम्स है, ये यहाँ पे अभी कंप्लीट होते हैं। तो
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और आपके दोस्तों के साथ भी ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।